एवरीथिंग दैट किल्स मी मेक्स मी फील अलाइव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी हमें जाना है, पहले मेरे बैंक में मुझे कुछ काम है, फिर भाई के बैंक में जाना है, उसे कुछ काम है, काम निपटाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे राइड पे। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड। एक जगह का काम तो निपटा दिया है और अब हम जाएंगे दूसरी जगह। फटाफट काम निपटा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना सकूँ। तो ये वाला काम निपटा दिया और अब फटाफट चल के दूसरा काम भी निपटा देते हैं और उसके बाद असली कंटेंट शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने अपने दोनों काम निपटा दिए हैं और अब हम चलते हैं, अपनी ट्रैवल निकालते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है यार, भले ही धूप नहीं आ रही पर इतनी उमस हो रही है ना, हद से ज़्यादा। गाइस, पहले मुझे लगा कि हमारे आगे ना रेंज रोवर चल रही है, फिर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नई वाली ब्रेजा है, पूरा रेंज रोवर का लुक दे रखा है भाई। दूर से कोई यही समझेगा बंदे को, उसके ऊपर वो जो वो फिन है वो भी पूरा रेंज रोवर वाला ही है, पर है ये ब्रेजा। ये देखो BREZZA ब्रेजा, काफ़ी पूरा रेंज रोवर वाला लुक दे रखा है इसको। सीधे चल, लेफ्ट चल, लेफ्ट 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 लेफ्ट। इसके लिए ड्राइव राइट 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 गलती दे दी मैंने इसको गाड़ी। अबे ठोकेगा ठोकेगा, साइड कर साइड कर। गाइस, अगर मैं पहुंच जाऊंगा मैं घर, उसके आपको मिलता हूं। मेरा दिल धक 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 कर रहा है। तो गाइज यार, सुबह मैंने कपड़े धोने के लिए रखे थे पर उस टाइम लाइट चली गई थी और फिर मैं काम करने चला गया था, तो अब मैं वापस आ गया हूँ और फिलहाल अब लंच टाइम भी हो गया है तो लाइट भी आ गई है। तो सबसे पहले फटाफट इन कपड़ों को निकाल देते हैं, उसके बाद लंच कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। ये काम का ही ख़त्म नहीं होता भाई। वाओ, खेत के बीच में एक प्यारा सा हट, इतना सुंदर है और बंद है ये पार्क, बंद हो रखा है। खुलता भी है पार्क? खुलता भी है? नहीं खुलता। तुम यहाँ खेलते हो पार्क में अंदर? कैसे? अरे बाप रे, यहाँ से चढ़ के जाते हो हैं? अच्छा, मतलब एक यहाँ से जा रहा है एक वहाँ से जा रहा है, और चोट लग जाएगी तब? चोट नहीं लगेगी? सुपरमैन हो आप? सुपरमैन हो हैं? और आप क्या हो, वंडर वूमेन हैं? एक सुपरमैन एक वंडर वूमेन। क्या खेलते हो आप लोग यहाँ अंदर? हाँ नहीं, क्या खेलते हो? क्या टॉफी खाओगे आप लोग? पर दुकान जाना पड़ेगा टॉफी खाने के लिए। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है आपका? उधर है आपका घर? वहाँ तो जंगल है। हैं? कहाँ? उधर? चलो दिखाओगे मुझे अपना डेरा? और इसका डेरा सुपरमैन का उधर है। ये अमरूद क्यों खा रहे हो? कच्चा पेड़ दर्द होगा इससे। अबे फेंक दिया। ओ बेटा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मिश्रा कैफरी। क्या है आपका नाम? मिश्रा। मिश्रा? और इसका नाम? फरीद। फरीद? अच्छा, तब है मेरा नाम? मेरा नाम मिस्टर फिट नेगी। अच्छा है ना? ये कौन आ रहा बाइक में आगे से? तुम्हारे पापा हैं? इधर है तुम्हारा घर आगे? अच्छा, तो गाइस आप लोग मैं कंटेंट बनाने के लिए अपने पति को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना गाइस। और यहाँ तो बहुत बड़ा आगे मुझे कुछ लग रहा है,
बहुत बड़ा ओपन एरिया सा है। अच्छा ये है उन बच्चों का डेरा भाई, पहर के आ गया है। ओ बेटा मोर गाइस देखा आपने उड़ते हुए यार भयंकर। सो आज फाइनली हम पहुंच ही गए नदी के किनारे में। देखो गाइस वाओ, मुझे नहीं पता था यहाँ इतनी अच्छी जगह है। और गाइस वहाँ पे ना मुझे एक मंदिर भी दिख रहा है, पर नदी पार करके जाना उधर इम्पॉसिबल सा है। पर इधर तो काफ़ी अच्छा है गाइस यार, मतलब मैं यहीं पे आके कैंपिंग कर सकता हूँ। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताओ आप लोग यहाँ पे कैंपिंग देखना चाहते हो। देखिए इतना सुंदर सा सुंदर जगह है, और आजकल बारिश की वजह से नदी का पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इधर से भी जा रहा है रास्ता, हमारे जिम का टाइम भी हो रहा है गाइस। आज डेड लगानी है फिर से 160-170 केजी की। और उस तरफ पब्लिक एरिया है ये नदी का, और वहाँ पे एक ट्रैक्टर वाला भी घुस रहा था। ट्रैक्टर का बढ़िया भाई, ट्रैक्टर कहीं भी घुस जाता है, इतने बड़े बड़े तो उसके टायर ही होते हैं बाइक के बराबर। कहाँ है रास्ता, रास्ता कहाँ है, रास्ता ही तो नहीं होता गाइस ऑफ रोडिंग में, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और ये हम पहुंच गए हैं गुज्जरों के एरिया में, गुज्जर का घर है यहाँ पे। अरे आपके पास घी भी मिलेगा, घी ऊपर यहीं से जाने, कहाँ से रास्ता, यहाँ से जाऊँ ना पजी के धोरे। बाबा जी राम राम, जूम जूम जूम। ये कहाँ पहुँच गया गाइस हम, ये देखो कुछ क्या है, ये किला जैसा लग रहा है मुझे तो, अबैंडन सा वही सब, जबरदस्त है यार। पर गाइस उसके चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, और घास हो रही है बहुत बड़ी बड़ी, ये देखो पूरा टोटल पानी से भरा है। और ये कैक्टस के कांटों के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा हमको। छोड़ो गाइस यहाँ से वापस चलते हैं, दूसरा रास्ता लेते हैं, ये वाला। अच्छा इधर क्या है, ओ देखो ये है गाइस नहर। ओके ये नहर आ गई है, उसके पीछे भी झोपड़ी है। तो ये आ चुका है गाइस एक डेरा। चलते हैं, घी मिल जाएगा आपके पास, घी क्या रेट है, घी तो हजार रुपए किलो, इतना महंगा। अरे तो इतना महंगा थोड़ी ना है, तो घी देख भी तो लियो, हैं घी में भी तो अंतर है, ये थोड़ी ना मिलावट है। तो फिर भी हजार रुपए बहुत ज्यादा नहीं यार, भाई साहब ये तो यही से रेट देते हैं ना। हैं
भाई साहब 1000 रुपये किलो की, बाप रे गाइस, घी खाना मुश्किल हो गया अब। पर एक बात तो है गाइस, इनका घी होता बहुत टेस्टी है और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कुछ मिलावट नहीं होती है। और वैसे भी वो बोल रहे हैं कि हमारा खुद के लिए रखा हुआ है, तो तब मैं तो आ गया तो इसलिए बोल रहे थे कि दे देंगे, वरना ऐसे वो देते नहीं हैं। और ये हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो हम कहीं क्रेशर में पहुँच गए गाइस, पता नहीं कहाँ ही जा रहा हूँ मैं। आप लोगों के लिए तो आप लोग भी गाइस भाई को सपोर्ट करना है, लाइक करना, शेयर करना। भाई साहब जो ऐसी वाली घास होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है गाइस, जिसमें एक बार गाड़ी धस गई तो समझो काम 25 हो गया फिर। तो बड़े बड़े ट्रकों का रास्ता है, धर्म कांटे से होते हुए चलेंगे, बाहर सड़क में निकल जाएगा ये रास्ता, इधर से ना, इधर से और यहाँ से नदी में। पता नहीं एक तो हम यहाँ से पता नहीं कितनी दूर, कहाँ, कौन से रोड में, कौन से हाईवे में निकलेंगे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो अभी आइडिया ही नहीं आ रहा ये रोड किस तरह की तरफ रही है। खैर अब आ गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा, वापस तो जा नहीं सकते। पर ऑफ रोडिंग में मज़ा आ रहा है। यहाँ से फिर से आ गया, ये देखो इस नंगू को देखो, यहाँ पुट्ठे धो रहा है ये, ये देखो गाइस बैलगाड़ी, इसी को कहते हैं बैलगाड़ी, क्योंकि बैल गाड़ी को खींच रही है, तो वो हो गई बैलगाड़ी। अरे बाप रे, ये सड़क की क्या हालत हो रही है अभी। इस तरफ नेक्स्ट टाइम आएंगे गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इधर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी हम चलते हैं इधर से। Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit.